The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में सुना तो सबने है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर अनगिनत गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, मिथ आ रही है, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आप इतने अच्छे से बीमारी को या मेडिकल नॉलेज को नहीं समझते हो, आप कई बार गलत इन्फॉर्मेशन पे भरोसा कर जा रहे हो। इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है एग्जैक्टली अगर कोरोना वायरस आपके अंदर चला जाता है, ताकि आप समझो उसको, उस मैकेनिज्म को, और ये समझ पाओ कि कोई अगर आपको कोई ऐसी ट्रिक, कोई नुस्खा या कोई ऐसा पॉइंट बता रहा है जो लॉजिकली नहीं है, तो उस पर भरोसा ना करें, ना ही उसको आगे फैलाएं। तो आइए समझते हैं कि ये कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया पे अपना कहर ढा रहा है, ये करता क्या है अंदर जाके एग्जैक्टली। सो बेसिकली इस वायरस का नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस 2 या SARS-CoV-2, और ये बेसिकली COVID-19 नाम की बीमारी जिसका नाम है उसको करता है। ये बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, लेकिन दो तरीके से फैलता है। एक, नंबर एक, पहले तो ये समझिए वायरस क्या होता है। वायरस बेसिकली एक जेनेटिक मटेरियल है, उसमें सिर्फ या तो डीएनए या आरएनए का एक छोटा सा पीस होता है, जिसके आसपास एक कैप्सूल होता है, एक कवरिंग होती है। वो कवरिंग जो है वो लिपिड और प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन बेस्ड होती है, और उसके ऊपर बेसिकली वायरस के प्रोटीन्स होते हैं, मतलब हाथ होते हैं उसके, समझ लीजिए प्रोटीन्स होते हैं, एस प्रोटीन, एम प्रोटीन, एन प्रोटीन, एसेट्रा एसेट्रा। सो ये प्रोटीन्स और ये कैप्सूल उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। वायरस में खुद में बाहर कोई जान नहीं होती, वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जब वो आप, वो जो डीएनए है उसके अंदर एक मैसेज होता है, बेसिक मैसेज। अनफॉर्चुनेटली ये मैसेज, ये वही मैसेज है जो हमारे अंदर जो डीएनए है उसके अंदर होता है रेप्लिकेट करने का, राइट। उसके अंदर और कोई मैसेज, इतना ही मैसेज है कि डबल करो, डबल करो, डबल करो, डबल करो, मुझे और डबल करो, डबल करो। इसीलिए ये वायरस डेंजरस है। क्यों? कोरोना वायरस को सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेल के अंदर चला जाए, और इसी के लिए वो प्रोग्राम्ड है, उसी के लिए वो हर जगह बस फैला होता है। ये फैलता कैसे है? एक तो जो पेशेंट है जो उसे खांसी करके, स्नीज करके अपने मुंह से बाहर निकाल देता है, और वो सरफेसेस पे, बाहर कुछ भी पड़ा है उसके ऊपर ये सरफेसेस पे जिंदा रह जाता है, कुछ सरफेसेस पे 2-4 घंटे, कुछ सरफेस पे 2-4 दिन, और ये नहीं कहा जा सकता कि हर एक सरफेस पे एग्जैक्टली कितने देर रहेगा, क्योंकि ये वहां के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जितनी गर्मी, जितना सूखा, उतनी जल्दी मर जाएगा, जितना मॉइस्चर उतना ज्यादा देर जिंदा रह, जिंदा भी नहीं मतलब एक्टिव रह सकता है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी एक्टिविटी इन्फेक्ट करने की कम होती जाती है। अब ये वायरस किसी तरीके से आपके नाक, मुंह या सांस की नली के अंदर चला गया। कैसे चला गया? नंबर एक, या तो आपके अंदर ही, ऊपर ही किसी ने छींक दिया, आपने मास्क नहीं पहना हुआ है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, या फिर आप ही ने कोई अनप्रोटेक्टेड सरफेस पे हाथ लगा के बिना हाथ धोए अपने नाक, मुंह, आंखों को हाथ लगा लिया। कान से ये नहीं फैलता है, राइट। सो ऐसे होने पे जैसे ही वो आपके मुंह के या नाक के अंदर जाता है, वायरस तुरंत फिर आपके नाक के, मुंह के सेल के अंदर चला जाता है, राइट। वो वहां रहता नहीं है, वहां स्टे नहीं करता, वहां से डायरेक्ट सेल के अंदर, बिकॉज बेसिकली उसका जो कैप्सूल है उसको एक रिसेप्टर चाहिए, जिसका नाम है हमारे बॉडी के जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके ऊपर ACE2 नाम का रिसेप्टर होता है, ACE2, वहां अटैच होके वो अंदर चला जाता है। अब क्या हुआ, वायरस के अंदर का डीएनए, आरएनए, यहां पर आरएनए है, ठीक है, हर वायरस के अंदर आरएनए ही होता, कुछ डीएनए वायरस होते हैं, ये आरएनए वायरस है, तो आरएनए उसका आपके एक सेल के अंदर चला गया। अब सिर्फ एक वायरस आपके अंदर गया जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है, हो सकता है उसके ऊपर लाखों, हजारों वायरसेस होते हैं, तो हजारों में से कुछ यहीं गिर गए, कुछ अंदर चले गए, आपने उसी समय निगल लिया, उसी समय सूंघ लिया, वो वायरस अंदर चल के सांस लेने लग गए, अंदर ही अंदर लंग्स में चले जाते हैं। तो पेट में जब वायरस जाता है तो एसिड के साथ मिलकर वो मर जाता है। नॉर्मली पेट के अंदर हर वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन क्योंकि ये वायरस लंग्स के ऊपर एफिनिटी उसकी ज्यादा है, तो लंग्स के अंदर ये तुरंत पहुंच जाता है वहां से। सो लंग्स के अंदर ये तुरंत पहुंच जाएगा, उसको कोई चीज रोक नहीं सकती है वहां पर। याद रखिए, कोई भी चीज आप मुंह में, नाक में डालेंगे, उससे साफ नहीं होने वाला मुंह में, नाक में, याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेन चीज है प्रिवेंशन, रबिंग आईज, मुंह नाक को हाथ नहीं लगाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर बहुत सीधी सी चीज है कि वायरस आपका
बॉडी के अंदर ये करेगा, उसके बाद में बहुत सारी जगह जाता है, यहाँ पे ये पेट में भी जाता है, इंटेस्टाइन्स में भी जाता है बट ऑब्वियस, और स्प्लीन में भी जाता है, लंग्स में भी जाता है, ब्लड में भी जाता है, बेसिकली हर जगह जाता है ये। लेकिन ज्यादातर केसेस में ड्रामेटिक इफेक्ट जो है लंग्स में करता है सबसे ज्यादा। और कोरोना वायरस जो है बेसिकली लंग्स के अंदर एक लाइनिंग होती है जो हमने बताई, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बॉर्डर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो नहीं दूसरे किसी भी बैक्टीरिया को, फंगस को, दूसरी जो चीजें जो नॉर्मली हमारे लिए हार्मलेस हो जाती है, क्योंकि ये बॉर्डर है, राइट। जैसे बाहर के कोई अंदर नहीं आ सकता, बॉर्डर टूट गया तो कोई भी अंदर जाएगा, नॉर्मल आदमी भी इंडिया के अंदर घुस जाएगा, कोई बाहर का कोई घुस जाएगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। आपके घर में घुस जाएगा अगर दरवाजा नहीं है तो चोरी हो जाएगी, समथिंग लाइक। यही एपिथेलियल टिश्यू आपके लंग्स का इंपॉर्टेंट बॉर्डर होता है, और यही वायरसेस जाके अटैच हो जाते हैं इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, एक सेल के अंदर। मान लो एक वायरस गया, अब ये वायरस क्या करता है, अपना वायरस का आरएनए अंदर जाता है, और आपके सेल को नहीं पता कि अंदर एक वायरस आया है, सेल मासूम सा, बस उसको एक मैसेज मिलता है, ये जो आया है इसको रेप्लिकेट करो, इसको डबल करो, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बढ़ते बढ़ते डबल 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 होके थोड़े ही देर में, कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में, बल्कि कहना चाहिए वो एक सेल कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में वो सेल भर जाता है, फिर वायरस वो सेल फूट जाता है, वो सेल फूट जाता है, और हजारों लाखों वायरसेस उस लंग के एपिथेलियल टिश्यूज के सारे एपिथेलियल टिश्यूज में फैल जाते हैं। अब ये जो एक सेल के साथ हुआ, ये पूरे के पूरे लंग्स के अंदर के एपिथेलियल टिश्यूज के साथ होने लग जाता है। अब क्या हो रहा है, अब पूरी की पूरी लंग की जो बॉर्डर है वो टूट रही है, वो खराब हो रही है, वहां प्रॉब्लम आ रही है, और ये एक भी कुछ ही समय में वायरस जो है लाखों बिलियन ट्रिलियंस हो जाते हैं, और लंग्स के अंदर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। मगर याद रखिए, यहां पर सिर्फ लंग्स की बॉर्डर टूट रही है, घर का दरवाजा टूट रहा है, घर का दरवाजा टूट जाने भर से जरूरी नहीं होता कि घर में डैमेज हो जाए, चोरी हो जाए, ये हो जाए। अब क्या होता है कि अब आपके दिमाग से आपके इम्यून सिस्टम को घंटियां बजती हैं कि भाई कुछ हो रहा है वहां पे, बहुत कुछ हो रहा है, रोको, नहीं तो डैमेज हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, किसको बचाओगे। सो फिर वहां पे आते हैं आपके इम्यून सेल्स, बहुत जरूरी एस्पेक्ट है ये, अच्छे से समझिएगा। 10 दिन एस्पेक्ट मतलब 5 से 10 दिन, 4 से 10 दिन के हिसाब से ऐसा होता है, किसी में बहुत जल्दी दौड़ता है, किसी में धीरे धीरे दौड़ता है। मिलियंस ऑफ योर सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, और वायरस इतना ज्यादा डैमेज नहीं करता जितना एक्चुअल उस समय आपका रियल बीस्ट जो बोलेंगे उसको इम्यून सिस्टम है उस समय। नाउ व्हाट इट इज, नॉर्मली तो इम्यून सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन बिल्कुल जैसे पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर अननेसेसरीली कहीं पे छोड़ दिया जाए किसी सोसाइटी में, तो फिर वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, हो सकता है आपके ऊपर जुल्म भी करे, समथिंग लाइक दैट। सेम थिंग, इम्यून सिस्टम जो है वो आपके प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, और लेकिन उसको एक टाइट रेगुलेशन की जरूरत है। अगर इम्यून सिस्टम ओवर रेगुलेट हो गया, ओवर एक्टिव हो गया उस समय, तो इट कैन कॉज मोर डैमेज देन गुड। सेम थिंग हैपन्स हियर। नॉर्मली क्या होता है, आपके इस वायरस के बढ़ जाने की वजह से इम्यून सिस्टम अपने प्रोटेक्टिव सेल्स आपके वायरस आपके लंग्स के अंदर छोड़ता है। सेल्स के अंदर आंख कान नहीं होते, वो सीधा सिर्फ अपने जो साइटोकाइंस जो एंजाइम्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि कहाँ पे किसको अटैक करना है, कौन सा वायरस है, कौन सा इन्फेक्टेड सेल है जिसको हमें वहीं रोक देना है, मार देना है, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो साइटोकाइंस ये एंजाइम्स हैं ये इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि कहाँ पे करना है कहाँ नहीं करना है। लंग्स पे डैमेज है तो बगल में हार्ट को डैमेज नहीं करना है, फिर इधर उधर डैमेज नहीं करना है, ये भी कंट्रोल बहुत जरूरी है कि कहाँ पे बम चलाने हैं, कहाँ गोलियां चलानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर देता है इन इम्यून सेल्स को भी, और इन इम्यून सेल्स को ये जो एंजाइम्स हैं इसको ओवर रिएक्ट करने के लिए प्रोग्राम करते हैं, तब बेसिकली ज्यादा साइटोकाइन सिक्रीट होने लग जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो बचाव वाले सेल्स, जो पुलिस वाले, जो आर्मी वाले आपके पास आए थे आपके सामने खड़े होने के लिए कि आपको बचाएंगे, ये सारे के सारे यो ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, मारो मारो मारो। अब क्या हो रहा है, अब ये बस सेंसलेसली आप ही के सेल को मारने लग जाते हैं, तोड़ो 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 तोड़ो, बस नॉर्मल सेल धर तोड़ो, ये तोड़ो, बम गोले कहीं भी घुटने लग जाए। तो सोचो यही चीज आपके लंग्स के अंदर हो रही है, और लिटरली कुछ ही समय में पेशेंट ज्यादा बीमार हो जाता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक हैवॉक जैसी सिचुएशन हो जाती है। इसमें जो खतरनाक सेल्स हैं वो एक है आपका न्यूट्रोफिल्स,
फर्स्ट न्यूट्रोफिल जो बहुत ज्यादा उसकी किलिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है, दूसरे हैं न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मात्रा में आते हैं और सबसे ज्यादा एंजाइम बनाते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट सेल्स जो है वो है किलर टी सेल्स, टी सेल्स टी लिम्फोसाइट्स में जो किलर टी सेल्स हैं जो कि इन्फेक्टेड सेल्स को इन्फेक्ट करके सुसाइड करवा देते हैं, मर जाते हैं, वो इन्फेक्टेड सेल्स को मार देते हैं, किलर टी सेल्स इसलिए हैं बिकॉज वो कंफ्यूज हैं, अब वो हेल्दी सेल्स को भी मारने लगते हैं और जितने ज्यादा इम्यून सेल्स आते जाते हैं उतना ज्यादा डैमेज होता है, हेल्दी लंग टिश्यू मरता जाता है। सो अभी ये बहुत बुरा लग रहा है लेकिन ये एक परमानेंट प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, ऐसा अगर ये चलता रहा इसको ना रोके तो ये परमानेंट डैमेज कर देगा लंग्स में और कई बार लंग्स में लॉन्ग लास्टिंग जिंदगी भर का डैमेज हो जाएगा। पर ज्यादातर केसेस में आपकी खुद की इम्यून सिस्टम जो है वो इसको ही कंट्रोल कर लेती है, जो ये इरेगुलर उसको हाई कमांड से कमांड आ जाता है कि भैया नहीं इतना ज्यादा डैमेज नहीं करना है, इतना ज्यादा इम्यून, क्योंकि उस समय तक वो वायरस भी मरा हुआ हो जाता है, वायरस खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। जी हाँ, इतने खतरनाक रिस्पॉन्स से वायरस तो मर जाता है लेकिन आपके इस इम्यून सिस्टम को भी रोकना जरूरी है। ये हो गया ना कि अगर मान लो कहीं पे कोई अटैक हो गया 9/11 का या कुछ अटैक हो गया उधर, उसके बाद में सारे आतंकवादी तो मार दिया लेकिन अभी भी गम बम गोले फोड़े जा रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं, भाई रोको तो सही। सो दैट्स हाउ दिस इज। सो हम वहां पर फिर आपके ज्यादातर केसेस में आपकी इम्यून सिस्टम जो है टेक ओवर कर जाती है, रिकवरी शुरू हो जाती है, रुक जाता है और फिर उसके बाद ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ केसेस इससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये सिस्टम रोकने वाला नहीं हो पाता और उनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। नंबर वन, ये नहीं हम बोल सकते हैं कि कितने केसेस ज्यादा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ केसेस तो डायग्नोस ही नहीं हो पाएंगे बिकॉज इतने सारे अनडायग्नोस केसेस हो जाते हैं, रह जाते हैं, चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी देख लो। सो यहां पे एक बात नोटिस करने वाली है कि इतने सारे बम गोलों में दीवार तो टूट गई, सारी दीवारें टूट गई हैं आपके लंग्स की, आपके लंग्स के जितने भी मोस्ट मिलियंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैव डाइड और लंग्स का जो प्रोटेक्शन है वो खत्म, ऑलमोस्ट खत्म या बहुत ही ज्यादा कम हो गया। अब जो लंग्स के फुलफुले हैं, जो एल्वियोलाए हैं, जो फूलते हैं, जो आपको सांस के लिए हवा ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करते हैं, अब वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए एपिथेलियल टिश्यू है नहीं और अब वहां के आसपास के जो नॉर्मल बैक्टीरियाज हैं जो नहीं हार्मफुल थे वो भी हार्मफुल हो गए। अब हो क्या जाता है, अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है तो ऐसे केसेस में बैक्टीरियल सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है आपके लंग के अंदर। मतलब अब क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम इतना हावी था कि वायरस तो कम हो गया, वायरस का अब नामो निशान खत्म, लेकिन बैक्टीरिया ग्रो होने लग गया। अब ये हो रहा है कि पेशेंट सीरियस होते जा रहा है, वायरस कम है, बैक्टीरिया ग्रो होते जा रहा है, इम्यून सिस्टम हावी है, इम्यून सिस्टम कम हो रहा है लेकिन बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है। अब बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है तो बॉडी कह रही है अरे इम्यून सिस्टम वापस जा, वो वापस जाके वापस हो रहा है। अब ऐसे में जुगलबंदी में हो क्या जाता है, कई पेशेंट्स जो इस कंडीशन को नहीं मैनेज कर पाते, यानी वहां पर क्या हो जाता है, लंग्स के अंदर जब बैक्टीरिया भी आ जाए, ये भी आ जाए और ऑलरेडी लंग्स के एल्वियोलाई डैमेज है तो वो पानी से भरने लगते हैं, निमोनिया होने लगता है, वो निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसके वजह से सांस लेने में दिक्कतें इतनी ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं कि आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। कई सारे पेशेंट वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं और इतने थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने रहते हैं, इसीलिए फिर वहां पर उस समय एडमिटेड पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। कई लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि एंटीवायरल के लिए एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं, तब देते हैं, हमेशा नहीं दिया जाता, कंडीशन पे एक सिचुएशन पे दिया जाता है, राइट। अब यहां पर कोरोना वायरस को आप फ्लू वायरस से कंपेयर करते हैं कई लोग कि फ्लू वायरस है तो सिंपल वायरस है, फ्लू से भी लोग मर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन कोरोना वायरस इज फास्टर देन द फ्लू, इज फास्टर देन द फ्लू, बेसिकली मोर डेंजरस देन द फ्लू, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट भी करता है, ज्यादा जल्दी बीमार भी करता है और यस, ज्यादा उसका डेथ रेट भी 10-20 गुना ज्यादा है एक नॉर्मल फ्लू के वायरस से। तो ऑब्वियसली इट कैन बी कंपेयर्ड, ऑब्वियसली एक फ्लू वायरस से ही म्यूटेट होकर वायरस हुआ है, नॉर्मल कोरोना वायरस पुराना वाला फ्लू वायरस ही था, ये नया वायरस नोवल कोरोना वायरस है। सो ऐसे में क्या होता है, आपकी बॉडी, कई लोग नहीं सर्वाइव कर पाते, कई लोग सर्वाइव कर पाते हैं, जितने लोगों को दिक्कत ज्यादा हो रही है उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज नॉट कि हम एचआईवी की मेडिसिन देंगे या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देंगे या क्लोरोक्विन देंगे, नहीं, वो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, दैट कैन बी ट्राइड अगर पेशेंट हाथ से जा रहा है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज एयरवे सपोर्ट, इज एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन, जब हमें इंडिकेशन लग रहा है कि यहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं, ये सारा, और
fluid resuscitation, oxygen resuscitation, lactate body acidosis management, lactate management body के अंदर, जो भी body के अंदर जो supportive system है उसको support करना, ताकि वो out of range ना चले जाए, आपकी खुद की immunity आपको ना मार दे वहाँ पर. जो वहाँ cytokine storm हो रहा है उसको control करने का काम होता है, उसी के लिए आपको फिर hospital में admit होना पड़ता है. So that's why it is very important कि एक बार में करोड़ों लोग, हजारों लोग इतनी जल्दी इन्फेक्ट ना हो जाए, वरना जिन जिनको सपोर्ट की जरूरत है इस तरीके की, ऑक्सीजन की, डॉक्टर की, आईसीयू की, वेंटिलेटर की, उतने लोगों के लिए होगा ही नहीं सपोर्ट, तो बचाएंगे किसको? चूज करना पड़ेगा, इसको बचाएं कि उसको बचाएं, और फिर क्या होगा, गरीब तो बचेगा ही नहीं, अमीर बचेंगे जिनके पास पैसे है, जिनके पास इन्फ्लुएंस है. इसीलिए आप लोगों का लॉकडाउन या कह लीजिए ये बहुत जरूरी है, और हम लोगों का प्रोटेक्शन जरूरी है कि हम ना फैलाएं. सो ये हुआ बेसिक्स कि कैसे और क्या होता है कोरोना वायरस का आपके अंदर. नॉर्मल इंसान, एक जनरल यंग आदमी में ज़्यादातर केसेस में यहाँ तक बात नहीं पहुँचती बैक्टीरियल इन्फेक्शन तक, वो उतना डैमेज होने से पहले ही आपकी खुद की बॉडी की इम्यून सिस्टम उसको शांत कर देती है, वायरस को ख़त्म कर देती है, सारे बॉडी रिकवर कर देती है और ठीक हो जाता है, एपिथीलियम भी वापस बन जाता है, दीवार भी वापस बन जाती है, आप फिट एंड फाइन हो जाते हैं एंड यू बिकम इम्यून टू द वायरस. इम्यूनिटी का मतलब क्या है वो वैक्सीन वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि वैक्सीन कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है, इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडीज क्या होती है, वो जरूर समझिएगा, क्योंकि एक्चुअली बॉडी भी एंटीबॉडी बनाती है वायरस को मारने के लिए. जब इम्यून सिस्टम करती है, टी सेल के बाद बी सेल आते हैं. बी सेल क्या करते हैं, वायरस का एक पार्ट लेते हैं कि भाई ये प्रोटीन है, उसके खिलाफ हम एक एंटीबॉडी बनाएंगे कि इसको मैच करे. एंटीबॉडी का काम क्या है, जहां पर भी वायरस मिला उसके ऊपर वो प्रोटीन मिला, प्रोटीन से अटैच किया, एंटीबॉडी इज लाइक अ वाई शेप स्ट्रक्चर, वो जाके उस प्रोटीन को अटैच किया, वायरस खूम, वायरस खत्म, ये उसका काम होता है. उसके बारे में बात करेंगे कैसे होते हैं एंटीबॉडी, क्या होती है वैक्सीन, देखते रहिएगा. कोई भी सवाल है जरूर लिखिए, और कोरोना वायरस के लिए सारे वीडियो जरूर देखिएगा. थैंक यू, थैंक यू सो मच.